पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में BUMS डॉक्टर्स ने CMO ऑफिस का घेराव किया और ACMO डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नीमा के बैनर तले सभी डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई पर नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया। BUMS डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। ACMO पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो डॉक्टर पैसे नहीं देता उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे डॉक्टर्स का शोषण हो रहा है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद का, जहां पर नीमा के बैनर तले आज BUMS डॉक्टर्स ने ACMO डॉक्टर नरेंद्र सिंह के खिलाफ अवैध वसूली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के नाम पर डॉक्टर से वसूली की जा रही है। मुरादाबाद के सनराइज हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से नाराज होकर सभी डॉक्टर्स एकजुट हुए और CMO ऑफिस का घेराव किया। हॉस्पिटल के खिलाफ की गई एक पक्षीय कार्रवाई पर नाराजगी जताई और हॉस्पिटल के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई। के जो अभी मौजूदा नोडल ऑफिसर नरेंद्र सिंह जी हैं, ये जगह जगह अस्पतालों पर जाते हैं, वहाँ पे जो है बिना बात के उन्हें जो है सील लगाते हैं, फिर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। 1.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का इनका रेट है और ये फिर उसे जो है ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, तहरीर के नाम पे, फर्जी FIR के नाम पे 420 लगा के वो जो इस तरह से जो है मेंबर को डराया धमकाया जा रहा। सरकार ने मुझे इसी ऑफिस से कोविड सेंटर की परमिशन दी, मैंने वहाँ कोविड सेंटर चलाया, 100 से ज़्यादा मरीज़ वहाँ सही हुए। मेरे अस्पताल में कोविड में एक भी मरीज़ एक्सपायर नहीं हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब नरेंद्र जी आए, बोले आपके पास जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बायोमेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, और जो है आपके पास जो है अलग अलग अल्ट्रासाउंड, आपके पास अल्ट्रासाउंड है, आपके डॉक्टर एक्सपायर हो गए। मेरा अल्ट्रासाउंड सेंटर 2.5 महीने से बंद है, जिसकी जो है इंटीमेशन मैंने यहाँ ऑफिस में दिए, रजिस्टर में दर्ज है। CMO साहब कुलदीप सर के जो भी संज्ञान में वो चीज़ है। CMO ऑफिस में हर साल की तरह इस बार भी रिन्यूअल हुआ है, 1 तारीख में मैंने फाइल रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दी है। ACMO साहब का कहना है कि 2023 तक आपका पंजीकरण है, उसके बाद पंजीकरण नहीं हुआ। तो अब मैंने फाइल डाल दी है, सत्र की फाइल ले दो। इस सत्र की फाइल मेरी डली हुई है। 2 साल से आपका पंजीकरण नहीं है, रिन्यूअल नहीं है। डॉक्टर संजीव बेलवाल ने मुझे पंजीकरण दिया था। हमारी मांग ये है कि जो मेरे खिलाफ और भी नीमा मेंबर के खिलाफ जो FIR हुई है, तो वो FIR को उसे निरस्त कराया जाए। एक लेटर ये CMO ऑफिस से जारी करें, थाने में भेजें और उसे FIR को ख़त्म कराया जाए। असल में हम लोग नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और हमारे सदस्यों के विरुद्ध जो था CMO साहब की निरीक्षण की कार्रवाई में 2 सदस्यों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई थी। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसमें हमें नोटिस या एक्नॉलेजमेंट हमारे सदस्यों को नहीं दिया गया था, जिससे वो अपना पक्ष रख सकें। एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कब ये कार्रवाई की गई थी? ये हॉस्पिटल से क्या नाम था? AR हॉस्पिटल और सनराइज हॉस्पिटल, ये 11 तारीख का मामला है। कहाँ पर दोनों हॉस्पिटल? रामपुर दोराहा साइड। क्या क्या नाम डॉक्टर? डॉक्टर सबा अंसारी और डॉक्टर शकील अहमद। नीमा के जो मेंबर हैं डॉक्टर शकील साहब जो है, 11 दिन से इनकी बात चल रही है यहाँ पर, इन्हें रोज़ जो है परेशान किया जा रहा है। जो डिमांड थी वो इन्होंने पूरी की है, लेकिन इनका जो काम था वो इनका नहीं किया गया। अच्छा, ये हॉस्पिटल और क्लिनिक जो है कोई अफीम चरस भेजने की जगह तो होती नहीं है, जो कि सीधे उठा के FIR कर दी जाए। डॉक्टर जो है वो पढ़ के आता है और एक इज्जत उसका वक़ार होता है समाज के अंदर। आप ये कोई शराब तो बेच नहीं रहे कि आप गए और वहाँ पर जाके जो है आपने तुरंत उसके खिलाफ ना मौका दिया उसे बोलने के लिए, ना अपना पक्ष रखने की जो है उनने कोशिश की और आपने FIR करा दी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्वास्थ्य विभाग से हम हमेशा BUMS एसोसिएशन जो है जब जब इनका काम पड़ता है सब हम डॉक्टर जो है इनके काम में आते हैं, कंधे से कंधा मिला के इनकी जो योजनाएँ आती हैं गवर्नमेंट की वो हम अप्लाई कराते हैं। तो वहीं ACMO डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कहना है कि सभी डॉक्टर्स मुझ पर दबाव बना रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ FIR की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर अभी मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डिप्टी CMO मुरादाबाद। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर यहाँ पे एक हॉस्पिटल को सील किया गया था, जिसका नाम सनराइज हॉस्पिटल है, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 30 अप्रैल 2023 तक था। पिछले साल इनके द्वारा रिन्यूअल नहीं किया गया
और ये अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें 20 बेड डले हुए हैं और एक वहाँ पे अवैध रूप से लैब चलाई जा रही है, और एक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जो इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि जिनके नाम पे इनका कभी पहले रजिस्ट्रेशन रहा होगा उनकी मार्च में डेथ हो चुकी है जो प्रूवन है, और इनके खिलाफ सीएमओ साहब के और अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार तहरीर दी गई थी थाने में, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आज ये कई लोग, इनके संगठन के लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तहरीर वापस लेने के लिए, और ये अवैध रूप से चल रहा है क्योंकि इसका फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनके खिलाफ तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। आपके बीच में पहले बातचीत हुई है, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है किसी भी तरह का। जो इन्होंने अगर गलत कार्य किया है तो चाहूँगा मैं कि सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ, चाहे ये हो चाहे कोई और भी हो जो गलत कार्य में संलिप्त हैं, और इससे हमारा स्वास्थ्य विभाग बदनाम हो रहा है कि इस तरह के अनऑथराइज हॉस्पिटल चल रहे हैं, और जो उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं, और जो गलत मिल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।